सोचिए आप अपनी जमीन बेचने गए और आपको पता चलता है कि आपका पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये असल में हुआ था। तमिलनाडु के थिरुचेंदूर गांव को ही वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें 1500 साल पुराना हिंदू टेंपल भी शामिल था। लेकिन ये वक्फ है क्या? वक्फ का मतलब है अपनी कोई भी लैंड और चीज डोनेट करना, जिसके मालिक फिर अल्लाह होंगे, जिसको वापस कभी नहीं लिया जा सकता। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के तीन आधार होते हैं। पहला, अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी हो। दूसरा, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की प्रॉपर्टी होना साबित हो। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर कंट्रोल रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन लैंड्स को इलीगल तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। भारत में वक्फ का कॉन्सेप्ट दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही, जिसके एक एग्जाम्पल में सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर यानी मोहम्मद गौरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक विलेज गिफ्ट कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे रेगुलेट करने का पहला प्रयास था। 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट को पास किया गया, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को इजी बनाना और तमाम प्रोविजंस करना था। इस एक्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी पर दावे से रखरखाव तक को लेकर प्रावधान है। इस एक्ट में दिए गए कॉन्सेप्ट के मुताबिक साल 1964 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंडर सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। यह वक्फ बोर्डों को कामकाज के मामलों में एक तरीके से केंद्र सरकार को सलाह देती है। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में हैं। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल कर काम करता है। आखिर क्या है वक्फ बोर्ड कानून, जिसको लेकर मचा है इतना बवाल? बीते दिनों संसद में एक नया विधेयक लाया गया, जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही डिमांड्स को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से रिव्यू किए गए इस बिल का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये कैंसिलेशन मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के आर्बिट्रेरी राइट्स को कम करने के उद्देश्य से है, जो वर्तमान में उन्हें मैंडेटरी वेरिफिकेशन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। आखिर कौन कौन शामिल है इस बोर्ड में? बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है, जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आईएएस अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और ट्रिब्यूनल में शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों से हो। वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसका उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। वक्फ बोर्ड की एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवेज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।